आइए मेरे YouTube चैनल हैंगआउट विद रश्मि पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है, उसे जरूर बजा लीजिएगा। इसे बजाते ही आप जो भी मेरा नया वीडियोज आएगा वो आप तक सबसे पहले खबर चली जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैंग आउट विथ रश्मि पर फिर से आपका स्वागत है। तो आज चलिए मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आप घर में कैसे तैयार कर लेते हैं, अंगूर से किशमिश कैसे बना सकते हैं। मैं पहले भी देखती थी तो सोचती थी कि अरे यार कैसे बनेगा, लेकिन अब बना के मुझे इतना आसान लग रहा है कि मैं बॉटल बाय बॉटल बनाते जा रही हूँ और रखूँगी। अब मैं कभी मार्केट से किशमिश नहीं लूँगी। तो चलिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, कैसे मैं आसान तरीके से बताऊँगी। ये देखिए पूरा बॉटल भर के और तैयार हो गया, और ना कोई है कि इसमें क्या मिलावट है, बिल्कुल शुद्ध। तो सबसे पहले हम अंगूर लेंगे, ताज़े अंगूर लाए हैं खरीद के। इसे बहुत अच्छे तरह से हम धो लेंगे, और अभी अंगूर का सीज़न है तो बहुत ही सस्ता भी मिल रहा है, तो हम इसे अभी तैयार कर सकते हैं। तो देख के ही लग रहा है कि आह क्या ताज़ा ताज़ा अंगूर है, तो जो भी है टेस्टी तो लगेगा, मीठा है ही होगा ही। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं हम इस अंगूर के साथ, और फिर हमारा किशमिश तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से धो लिए हैं। धो लेने के बाद हम इसे मतलब थोड़ा पानी इसका निकल जाए तो अब इसका बारी बारी से एक बार हम इसको तोड़ लेंगे, एक एक डंठल से तोड़ के निकाल लेंगे इस तरह करके। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा, यही है कि ख़राब ना हो, अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि ख़राब है अंगूर तो उसे हम छाँट के निकाल देंगे, और ऐसे तोड़ के हम सारे अंगूर एक साथ, ये देखिए ख़राब है, इसे मैं साइड कर दूँगी। तो आप इस तरह करके अंगूर कट करके ले सकते हैं, डंठल हट गया है ना। तो पूरे अंगूर को मैं ऐसे तोड़ के पहले एक साथ करके, अब ये देखिए इसको मैं एक छन्नी में डाल दी हूँ, सब टूट के निकल गया है, तोड़ लिए हैं। अब एक बर्तन में पानी इतना लीजिए कि अंगूर सारा डूब जाए, तो उसको फिर पानी जैसे ही खोलने लगा तो सारे अंगूर जो है मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा पानी ऊपर तक रहना है। तो सारे अंगूर को डाल दिए हैं, करीबन ये 30 मिनट में पक जाता है। तो ये इसे देखिए इसी तरह खोलते हुए, जैसे ही जैसे अंगूर माने हो जाएगा तैयार तो अपने आप सारे अंगूर ऊपर आ जाएंगे, तैरने लगेंगे, तो समझ लेंगे कि अब लगभग ये पक गया है। लेकिन एक टाइमिंग के अनुसार हम 30 मिनट तक इसे मध्यम आँच में ज़रूर पकाएंगे। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल देख के ही लग रहा है कि इसमें सभी अंगूर में सिकुड़न आ गया है, तो ये देखिए तो एकदम लग जाएगा कि हाँ ये पक गया, देख रहे हैं ना सभी अंगूर में ऐसे लग गया। तो अब लगभग ये हो ही गया है, अब ये हो गया है, अब इसे मैं छन्नी में निकाल ले रही हूँ, ये देखिए, ताकि इसका पानी सब निकल जाए। पानी इसका निकल गया है, और मैं फिर ट्रे में, जहाँ धूप आपका बालकनी में छत पे जहाँ भी आ रहा होगा, तो एक मैं ट्रे ले ली हूँ। इसमें एक सफ़ेद कपड़ा या जो भी आप पतला कॉटन कपड़ा है या टॉवेल है, जो भी आपके पास है उसे बिछा दीजिए। उसके बाद जितने भी अंगूर हैं सबको उस पर फैला देना है। फैलाना ऐसे है कि एक दूसरे पर अंगूर चिपके नहीं या रहे नहीं, थोड़ा दूर दूर तक उसको ऐसे करके दे देना है, ताकि जो भी है अच्छे से सब में धूप लग जाए। तो देखिएगा कि बहुत ही जल्दी बन जाता है, इतना आसान लगा मुझे बनाने में, मुझे खुशी हो रही है कि मैं किशमिश अपने घर में अपने से तैयार कर ली हूँ। तो आप भी बनाइएगा। ये देखिए दिन भर में बस धूप लगा है, और शाम का ये स्थिति है कि बिल्कुल सूख के लगता है आधा किशमिश तैयार हो गया। पर इसे और भी थोड़ा सुखाना है, आप इसे ऐसे नेट वाले कुछ है उससे कर लीजिए, ढक दीजिए। ये देखिए बिल्कुल दूसरे दिन मैं धूप में सुखा रही हूँ, तो दूसरे दिन भी ये लगभग तैयार हो गया है, बिल्कुल लग रहा है कि किशमिश सब तैयार हो गया। तो इसको दो दिन तक हम इस तरह करके धूप लगा सकते हैं। ये देखिए ये सूख के देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसमें आवाज़ भी बहुत खनखनाहट की आ रही है कि ये मतलब बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी नए मेंबर देखे तो वो बनाने की कोशिश करे, और आपके तरह नए व्यूअर्स मेरे चैनल में ऐड हो। तो अब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको।
चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं इसे एक एयर टाइट बॉटल हो चाहे डब्बा जो भी हो आप रख सकते हैं उसमें, ये मैं पूरे किशमिश को इसमें भर दूंगी। ये देखिए वाह, तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बना के तो आप एक बार ट्राई जरूर, तो एक बार आप ट्राई कीजिए और मेरा पक्का वादा है, पूरे उम्मीद के साथ मैं कहूँगी कि आप बार बार बनाएंगी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइएगा। और हेलो, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब बनता है, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करना भी बनता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही आपके पास वीडियो लाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।